अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास वाईफाई रूटर कैमरा V380 है तो अगर आप उसमें से वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो निकालना चाहते हैं किसी वजह से तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो आगे शुरू करते हैं वीडियो। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपना डिवाइस जो है, अपना एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मेरे कैमरे जो है वर्क कर रहे हैं। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन मौजूद है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज आप इसे अपने मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने एप्लीकेशन के होम पेज पे। यहाँ मेरे सामने मेरे जितने भी कैमरेज इस डिवाइस से एक्टिव हैं वो सारे मेरे पास आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, अगर आप इनमें से किसी वीडियो का रिकॉर्डिंग जो है, बैक रिकॉर्डिंग जो है चेक करना चाहते हैं या फिर निकालना चाहते हैं तो आपने उस कैमरे को ओपन कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले कैमरे को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये कैमरा ओपन होने के बाद आपने रीप्ले पे क्लिक कर देना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ रीप्ले पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप रीप्ले पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, माइक्रो कार्ड एसडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो कहते हैं नो रिकॉर्डिंग, इसके अंदर मेरे ख्याल में कार्ड जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, इसे ये बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं यहाँ से ये वाला कैमरा ओपन करके आपको चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ से रिप्ले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं रिप्ले पे क्लिक करता हूँ उसके बाद आपने एसडी कार्ड को सिलेक्ट करना है। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये लोडिंग ले रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप जिस भी वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जितने मिनट का आप करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने टाइमिंग भी आ जाएगी और कैमरा रिकॉर्डिंग टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें, कितने मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस भी वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एरो का बटन मिल जाता है, यहाँ पे यहाँ से आप रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ये एरो है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो ये तरीकाकार था यहाँ से वीडियो डाउनलोड करने का। अगर कोई और इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मज़ीद वीडियोज़ इसके बारे में अपलोड करेंगे। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।